तो चलिए मैं हूँ तैयार। अब निकल रहे हैं अपनी नेक्स्ट रोड ट्रिप के लिए शिमला से किन्नौर। यहाँ से नीचे के लिए रास्ता गया मेरे स्कूल का। ये मेरे स्कूल का बस स्टैंड। क्रॉस कर रहे हैं संजौली। हर बार आते हैं कुछ ना कुछ यहाँ नया दिखता है। नहीं, हार्ट ऑफ शिमला कहते हैं ना इसे। हाँ, संजौली द हार्ट ऑफ। जैसे ये मॉल रोड वाले बाजार से काफी बड़ा बाजार है। संजौली में पॉपुलेशन बहुत है, तो उस हिसाब से दुकानें भी, कैफे शाफे। बढ़िया, पैदल ही आ सकते हैं ना। हाँ, यहाँ देखो पार्किंग का नहीं है। पीछे वैसे एक जगह बनी है पार्किंग, मुझे लगता है वो फुली रहती होगी। यहाँ पे लगा हुआ है जाम। चलो, खुल रहा है। देख, इतने अच्छे भैया, उन्होंने बोला जाओ, नहीं तो कहीं और होते तो बोलते अड़ा देते भाई गाड़ी। तू कैसे जा रहा भाई पहले, मतलब। और बल्कि उनका बनता था जाने का। हम तो पीछे खड़े हुए थे और तब भी हमको बोला पहले आप। सो स्वीट। एक तो भी ऑफिस टाइम है, टूरिस्ट का जाम नहीं है, लोकल जाम है। साइकिल पे जाओ सब। हाँ सच में, देखो सारी एचपी, ये सारे ऑफिस वाले हैं। पहुंच गए भाई तुम तो ऑफिस पर। यहाँ से कही है ये डिंगू माता मंदिर का रास्ता। ये सीधे एकदम खड़ी चढ़ाई पैदल, एक दिन की मतलब आपकी हाइक हो जाएगी। बढ़िया, बहुत सांस फूलती है। खड़ी चढ़ाई काफी पुराना है यार ये संजौली, मतलब। हाँ, तो घर मुझे बहुत पुराने दिख रहे। तो कल ना शाम को हम अपना थोड़ा और सामान सेट कर रहे थे कि क्या क्या वहाँ आगे ले जाना है शादी में। और मैंने ऐसे ही पूछा चिराग से कि चिराग एक बार अपने भी कपड़े देख लो एक बार ना, कौन कौन से अपने रखने हैं, क्या है। चिराग कह रहे कोई ना तो पैक है, तो सीधे वहीं जाएगा, वहीं खुलेगा। मैंने कहा एक बार देख लो। चिराग जी ने खोला और खोलते ही चिराग जी को ये एहसास हुआ कि जो शादी में कपड़े पहनने हैं वो तो चिराग लाए ही नहीं है। इतना बड़ा ब्लंडर हुआ ना, सारी गलती इसमें मेगा की है। सारी तो नहीं है, देखो 70% मेगा की है, मानती हो। 70 तो नहीं, 60. चलो आप ही बता देना कितनी परसेंट किसकी है। देखो हुआ क्या, मैंने अपने कपड़े रखे हुए थे टेबल पे और उसमें थी 3 ट्राउजरें और 2-3 शर्टें जो मेरे को कोट के नीचे पहननी थी या वैसे नॉर्मल पैंट शर्ट पहननी थी। मेघा ने क्या करा, एक पैंट रख दी बैग में और सारे कपड़े भेज दिए प्रेस में। अब मेरे को ऐसा था, मेघा ने बोला मैंने तुम्हारा थोड़े से रख दिए कपड़े, ये बोला मेघा ने। और ना मेरी एक पैंट बैग में दिख रही थी, उसके नीचे थोड़े से 2-3 टी शर्टें और दिख रही थी। मेरे को लगा सारे कपड़े इसमें होंगे, मेरे को नहीं पता प्रेस में गए हुए थे कपड़े। मैंने बोला था चिराग, मतलब ये बोला था कि मैंने प्रेस में भेजे, तो मेघा की जिम्मेदारी बनती है कि प्रेस से आए कि नहीं आए। लेकिन आपकी भी थोड़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी परसेंट तो मेरी बनती है। ठीक है, आप भी देखो कि हाँ मेरे कपड़े नहीं दिखाई दे रहे जो पहले पहने। मेरे को लगा एक पैंट दिख रही है, इसके नीचे 2 पैंट और होंगी। बट जब यहाँ पहुंचे यार कपड़े निकाल के देखने लगे तो पता चला चिराग भाई की तो कोट के नीचे की पैंट ही नहीं आई हुई है, कोई अंदर पहनने वाली शर्ट नहीं आई हुई है। देखो कैसे एडजस्ट होगा भाई। मिस मैच करके चिराग पहनेंगे। वैसे तो एकदम ऐसे चिराग गुस्सा आएगा, मैं नहीं जा रहा, मैं मेरे लहंगे पहन लेना, मतलब रणवीर सिंह बन जाना एक दिन के लिए। ऐसा ना ब्लंडर यूजुअली शादियों में अक्सर होता है, कोई ये कुछ भूल गया। बट ये चलो अच्छी चीज है कि चिराग भूले हैं। अगर मैं भूलती तब तो कैंसिल ही था फिर तो। हाँ भाई, तुम्हारा तो कैंसिल ही होना था है, हम कपड़े नहीं लाए। कोई बात नहीं, पहले ना मेघा ने बताया 5 फंक्शन है, कल मैं कपड़े भूला ना वो फंक्शन 2 हो गए। 2 ही तो फंक्शन है, एक में ये वाला पहन लेना, एक में ये वाला पहन लेना, 3 तो ऐसी से है। तुम जाना मत जाना हो कोई मैटर नहीं करता, गाना खाना है वहाँ तो उस टाइम पे खाना खाने आ जाना मैं अटेंड कर लूंगा। भाई बंदी है ना, मतलब पहले 5 थे और जैसे ही कपड़े कम हुए वो फंक्शन 2 हो गए। तो हमारे सामने एक रिक्शा जा रही है और ये देखो इन्होंने अपनी सीट पे क्या लिखाया है, मिस इंडिया। क्यों लिखाया होगा, कि रोजी रोटी है ये, उसके लिए मिस इंडिया ही है ये, इतना प्यार करता है वो, इतना कोई मिस इंडिया से करे। अपने पहले स्टॉप के लिए रुक चुके हैं। पहले तो ऐसा होता था कि एक गो में ना पता नहीं कितने कितने किलोमीटर चले जाते थे, 100-150, और अब तो हर 50 किलोमीटर बाद ऐसे मन करता है थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो यार। बुढ़े तो नहीं हो रहे हम? मैं यही बोलने वाली थी, बुढ़े हो रहे हो आप तुम ही बोलती है गाड़ी रोको। बड़ा शानदार है यहाँ से, ये देखो
पीछे कितनी सुंदर घाटी है। ये है यहाँ से खूबसूरत सा व्यू, और ये नीचे जो दिख रहे हैं ये सेब के बगीचे हैं। अभी हमने क्या क्रॉस करा, फागू नारकंडा आएगा, थियोग क्रॉस करा है, थियोग के बाद है। बादल देखो कैसे भयंकर बन रहे, बस बारिश ना हो, एक यही डर है। लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है किन्नौर का, अगर किसी को जानते होंगे, किसी को नॉलेज होगी, पता होगा कि कितने भयंकर पहाड़ है। बट अभी तो हम क्या ही चले हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। ना अभी तो बहुत आगे जाएंगे, अभी तो ऑलमोस्ट एक शिमला जैसा ही व्यू है कुछ कुछ। अभी थोड़ा और आगे आगे जाके, मतलब जहाँ हम जा रहे हैं ना किन्नौर, वहाँ से हमको बर्फ वाली पहाड़ियाँ भी दिखती हैं। तो ये जो आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये सारे सेब के पेड़ हैं। ये इनमें ये लगाया जाता है क्योंकि अभी इस टाइम पे कई बार होता है ना ओले भी पड़ जाते हैं, तो वो सेब की खेती के लिए अच्छे नहीं होते। वहाँ पे भी आपको दिख रहे होंगे उस जगह, कितना सुंदर लग रहा है। ये होते हैं टिपिकल बर्फ वाले पेड़, यहाँ पड़ती है तगड़ी वाली बर्फ। तो ये रहा वो सामने नारकंडापुरा, अरे पूरे सेब के बाग। यहाँ की सड़कें इतनी सुंदर, यहाँ के व्यू इतने सुंदर। अभी देखो क्या था ना, शिमला से जब हम चले थे तो हम ऊपर की तरफ गए थे, पहाड़ी चढ़ी थी, फिर वो नारकंडा एकदम वहाँ हाइट पे आया। अब वहाँ से लेके हम तब से उतराई उतर रहे हैं, और हम एकदम नीचे पहुँच जाएंगे वहाँ से, फिर वहाँ रामपुर पहुँचेंगे, और वहाँ से फिर हम ऊपर दोबारा चढ़ाई चढ़ेंगे किन्नौर तक के लिए। फिर तो ऐसे, हाँ नहीं, बट किन्नौर तक के लिए तो मोस्टली फिर चढ़ाई है। तो वैसे ऐसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऊपर हम नारकंडा तक पहुंचेंगे तो थोड़ा ना हमारा एसी कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, या थोड़ा ठंडी हवा, वैसे ठंडी तो है बाहर ना, बट फिर भी धूप आज थोड़ी तेज है। वैसे इंसान को जो मिलता है ना वो उसको अच्छा नहीं लगता है। शाम को मैं प्रे कर रही थी कि प्लीज धूप हो, बारिश ना हो, क्योंकि हमें व्यूज देखते देखते जाना है। अब धूप आ गई है, भगवान ने सुन ली है, वो भी हमें बर्दाश्त नहीं है। इस रोड पे अगर धुंध आई ना तो बहुत रिस्की है, तो अच्छी बात है कि मौसम साफ है, तो फिर तो दिखेगा। देखो अच्छा तो लगता है जो वो मॉनसून का टाइम होता है, उसमें आप जा रहे हो, मिस्टी सा हुआ है, बादल है, बारिश हो रही है, पर ना रिस्की तो रहता है। इट्स गुड कि अभी तक क्या आज मुझे लगता है ही नहीं, थोड़े थोड़े हल्के हल्के वहाँ जैसे दिख रहे हैं बादल, बट क्लियर है आज मौसम। मुझे लग रहा है कल शादी में ना हो जाए बारिश, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। नहीं, बादल नहीं, तो बन ही रहे हैं, नहीं होगी, नहीं होगी। मेघा मेरे में तो कपड़े हैं नहीं भाई, ऊपर वाली मेघा मेरी सुनो। यहाँ पे भी वैसे रास्ते में हमें काफी ऐसे ना दिख रहा है कि शादियाँ यहाँ पे भी हो रही है, आजकल सीजन होगा। मतलब पता नहीं यार, पहाड़ों में देखा है मैंने कि ना, मतलब बरसातों में शादी होती है, प्लेन्स में नहीं होती वहाँ बरसातों में शादियाँ, क्योंकि वहाँ पे एक तो गर्मी इतनी है यार, यहाँ तो फिर भी चल जाए। नहीं, गर्मियों में भी होती है, बिल्कुल गंदी गर्मियों में भी शादी होती है, अप्रैल में शादियाँ होती है हमारे। अब देखो वो वाले पेड़ खत्म हो गए, हम इतने नीचे उतर गए, अब ये यूकेलिप्टस के पेड़ आ गए हैं सारे में, जो प्लेन के इलाके में होते हैं जहाँ गर्म इलाका होता है। यहाँ बहुत हल्की अगर पड़ती होगी, बहुत हल्की बर्फ दिख ही नहीं रही है, तो ऐसे लग रहा है यूपी आ गए हम, ये वाले पेड़ देख के खड में जा रहे हैं। तो देखो तब से उतरा ही उतर रहे हैं हम, एक घंटे से ज्यादा हो गया हमें। हम पूरा नीचे आ चुके हैं, यहाँ सतलुज नदी है, बस यहाँ अभी सबसे नीचे तक पहुँच गए। अभी यहाँ से तो थोड़ा सीधा सीधा ही होगा, फिर एकदम फिर होगी किन्नौर की चढ़ाई शुरू। वो सबसे डेंजरस वाली होती है भाई, रोड ऐसी नैरो हो जाती है। अभी देखना आप रोड्स कैसी कैसी हम आपको दिखाएंगे, अमेजिंग भाई साहब, पूरा ही पूरा ना पहाड़ी ऐसे निकाल दिया हो, बन रहे हैं अब ये तो लग रहे हैं। अब रोड चौड़ी हो रही है क्या है, ये तो KGF की खान लग रही है, बिल्कुल ऐसी लग रही, कैसी खतरनाक सी भाई, कितने सारे ट्रक। अच्छा नहीं लग रहा देख के, ऊपर इतने सुंदर पहाड़ और नीचे ये देखो पूरा पहाड़, ये काट काट के क्या हाल बना दिया है। तो ऐसे इस साइड भी रहा है काम, एयरपोर्ट बना रहे क्या भाई, दोनों तरफ ही, यहाँ भी और यहाँ भी। भाई वो बंदा क्या चिल्ड बैठा हुआ यार ऊपर पहाड़ पे, ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन। यहाँ पहली बार हुआ ना ऐसी रोड खराब सी, अभी तक नहीं तो इतनी स्मूथ सी थी। ये यहाँ दिखा, ये इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज 1 लिखा है, तो शायद बिजली बनाने का ही कर रहे हो कुछ, तो यहाँ इस पहाड़ी के अंदर चल रहा है बिजली का काम। नैनो कितने टाइम बाद देखी ना,
तो अभी हम थोड़ी देर में रामपुर पहुंचने वाले हैं और यहां से हमारे साथ एक और सवारी जुड़ने वाली है, एक लड़की है, उसने भी ये शादी अटेंड करनी है। अभी फोन करते हैं उससे, पूछते हैं कहां जैसे एग्जैक्टली मिलना है, इतना वैसे हमें इस एरिया का पता नहीं है। कौन सा बोला था उसने? हाँ नाम बोला था कुछ, चौधरी अड्डा भी मिलेगी। खुश हो गए, अच्छा यहाँ भी चौधरी है, आज अपना अड्डा देख ले हम जरा, यहाँ कहाँ है चौधरी का अड्डा, चौधरी अड्डा कहाँ है भाई, दिखाओ कहाँ है हमारे अड्डे। नमस्ते जी, हेलो, नाइस टू मीट यू। यहाँ पे बहुत गर्मी है आज, मैं खुद रामपुर काफी टाइम बाद आई। अच्छा, तो फिर मैंने सोचा मेरा बैंक में भी काम था, तो आप लोग पहले गए हो इस साइड? हाँ स्पीति गए हैं हम, कब आए थे। तो भी ज्यादा वेट तो नहीं करवाया हमने? नहीं नहीं, मैं मेरी फ्रेंड होती है SBI में ना, मैं उसके पास ही बैठी छूटा हुआ है। आ गए यहाँ किन्नौर एंट्री की फेमस रोड, यहाँ तो इनफैक्ट पीछे कैफे भी बना दिया। यहाँ फोटो शूट चलता हुआ और ये एक पहाड़ों के बीच में से ये बनी है, नेचुरल तो नहीं बनाई होगी ये टनल। तो यार लिखा हुआ होगा, लिखा नहीं, थोड़ी अकल लगाई लेनी चाहिए। चलो उसे निकलने दो फिर जाते हैं। बस यहाँ से ऊपर हम टर्न हो गए किन्नौर, ये रिकॉन्गपियो के लिए, और ये सीधा जाता है स्पीति के लिए। बादल कितने घने घने से दिख रहे हैं। अच्छा यार ऑलमोस्ट हम पहुंच गए और बारिश नहीं मिली हमें, बस अब 2-3 दिन हम यहाँ आए और 2-3 दिन कोई बारिश नहीं चाहिए। किन्नौर का फेमस चौक बस स्टॉप। अब भाई फीलिंग से कुछ टोपियां देख के ना लोगों के सिर पे लगी। किन्नौर पहुंच गए, किन्नौर पहुंच गए। यार रिकॉन्गपियो का बाजार, ये यहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है। ये गाड़ी जाती है ना जी यहाँ? नहीं जाती, मैप में तो यही दिखा रहा है, तो जब कह रहे नहीं जाती, मुझे लग रहा है आगे वाली रोड से होगा। पीछे तो दिख रही है मुझे। अरे आ गया हमारा वेन्यू।